आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो चलो लगाओ तो लाइक कर दें। आज मैं फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहले फेसबुक ओपन कर लेते हैं और आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। देखिए इसके बाद लॉगिन कर लेंगे। देखिए फेसबुक आईडी ओपन हो चुकी है। अब इसको डिलीट कैसे किया जाता है, अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग प्राइवेसी में जाएंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे में योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे टेम्परेरी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट दिखाएगा, तो इसमें क्लिक करेंगे और इसमें नीचे वाले में डिलीट अकाउंट और इसमें कंटिन्यू और इसके बाद फिर से डिलीट अकाउंट। इसके बाद यहाँ पासवर्ड डालने का बोलेगा तो पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे तो और ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। देखिए इसमें आएगा कि आपका जो अकाउंट है वो 30 दिन के अंदर तक आपका कोई भी डाटा है उसको ओपन करके आप देख सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं। 30 दिन के बाद ही आप नहीं कर सकते, 30 दिन के बाद परमानेंटली अकाउंट डिलीट हो जाएगा।